दोस्तों बिग बॉस के घर में हाल फिलहाल में ही गोल्डन बॉयज की एंट्री हुई है। गोल्डन गाइज के नाम से मशहूर सनी नाना साहेब वाघचोरे और संजय गुर्जर को बिग बॉस ने एक काम सौंपा है। गोल्डन गाइज बिग बॉस के घर में रह रहे कंटेस्टेंट्स को हरी भी 25 लाख की राशि फिर से जीतने का मौका देंगे। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स एक टास्क के दौरान 50 लाख की इनामी राशि में से 25 लाख रुपए हार चुके हैं। अब गोल्डन गाइज इसी हारी हुई 25 लाख की राशि को लौटाने के लिए एक खास टास्क लेकर बिग बॉस के घर पहुंच गए हैं। लेकिन आखिरकार कौन है ये गोल्डन गाइज और उन्होंने कितनी फिल्मों को फाइनेंस किया है और आखिरकार क्या वास्ता है उनका सलमान खान से, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बिग बॉस में, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों 2016 में आई फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती के प्रमोशन के दौरान फिल्म की स्टार कास्ट विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदेसानी कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे। पहली बार ये गोल्डन गाइज इसी शो में भारतीय दर्शकों को दिखे थे। गले में मोटी मोटी सोने की चेन, हाथों की कलाई में मोटे मोटे सोने के कड़े और सोने के जूते पहने सनी नाना साहेब वाघचोरे और संजय ने शो के होस्ट कपिल शर्मा का ध्यान अपनी ओर खींचा था। गोल्डन गाइज महाराष्ट्र में पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ा से आते हैं। पुणे में पले बड़े गोल्डन गाइज बचपन से ही सोने के गहने पहनते आए हैं। दोनों रोजाना 3 किलो या उससे अधिक सोना पहनते हैं। उन्हें पुणे में गोल्डन मैन के नाम से भी जाना जाता है। सनी नाना साहेब वाघचोरे को प्यार से नाना भी कहते हैं। उन्होंने अपने पिता को समर्पित नाना नाम की सोने की चेन बनाई जिसे वो अक्सर पहने दिखते हैं। सनी ने मॉडल और एक्टर प्रीति सोनी से शादी की है। वहीं संजय गुर्जर को प्यार से बंटी गुर्जर के नाम से पुकारा जाता है। संजय का लकी नंबर है 7 और वो इसी नंबर की सोने की एक बड़ी चेन गले में पहने अक्सर दिख जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2016 में कपिल शर्मा शो में आए रितेश देशमुख ने दर्शकों को बताया था कि वो अभिनेता विवेक ओबेरॉय के दोस्त हैं और विवेक ओबेरॉय की फिल्मों के फाइनेंसर भी रहे हैं। इन्होंने जिन फिल्मों को फाइनेंस किया था उनका नाम है जीरा गाजियाबाद और जयंती भाई की लव स्टोरी। और इतना ही नहीं, विवेक ओबेरॉय की 2013 में आई फिल्म जीरा गाजियाबाद में सनी ने एक छोटा सा रोल भी किया था। दरअसल दोनों ने 2012 से फिल्मों को फाइनेंस करना शुरू किया था। इसके अलावा उनका स्क्रेप, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सहित कई और भी बिजनेस हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई गोडाउन, फ्लैट और घर किराए पर दे रखे हैं। पुणे में उनके 2 होटल हैं और एक रिजोर्ट भी है। इन सभी कारोबार की सनी, उनके पिता और बड़े भाई साथ मिलकर देखरेख करते हैं। वहीं बंटी और बंटी के बड़े भाई जो राजनेता है वो बिजनेस संभालते हैं। सलमान खान के परिवार से भी गोल्डन गाइज के संबंध है। सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान गोल्डन गाइज को अपना दोस्त मानते हैं। कपिल शर्मा शो में आने के बाद इन दोनों की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी जिसके बाद तो वो सोशल मीडिया के स्टार बन गए। वो इसके अलावा भी कई रियलिटी शोज में बतौर मेहमान शिरकत करने लगे हैं जिनमें इंडियन आइडल और द खतरा शो शामिल है। वैसे आपको बता दें कि दोनों के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और वो सोशल मीडिया पर अक्सर फिल्मी सितारों के साथ मिलने जुलने की तस्वीरें अक्सर शेयर करते रहते हैं। साल 2021 में आए अंसारी मोहसिन और निकिता रॉय के गाने दोनों यारा और 2022 में आए स्टार बॉयज LOC के गाने नाच बसंती के वीडियो में भी गोल्डन गाइज नजर आ चुके हैं। वो अक्सर पुणे के लोकल इवेंट्स में बतौर सेलिब्रिटी शिरकत करते हैं और अपनी रईसों वाली लाइफस्टाइल को अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इन दोनों ने गोल्डन गाइज नाम से एक NGO की भी शुरुआत की है जिसमें वो पुणे के गरीब बच्चों को रोजाना खाना प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों की हेल्प भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोना पहन के घूम रहे हैं, इनका दिल भी सोने का है भाई। आपको बता दें कि पुणे में पले बड़े गोल्डन गाइज बचपन से ही दोस्त है। उन्होंने DY पाटिल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। कपिल शर्मा के शो में उन्होंने बताया था कि वो कॉलेज उनका ही है। दरअसल कॉलेज की जमीन उनकी है और कंस्ट्रक्शन भी उन्होंने ही करवाया है। दोनों बचपन से ही सोने के गहने पहनते आए हैं और एक बड़ी बात और, दोनों की जॉइंट फैमिली है जिनमें करीब 58 सदस्य हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सनी वाघचोरे और संजय गुर्जर की सोने को लेकर दीवानगी सिर्फ सोने के गहनों तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें महंगी गाड़ियों का भी शौक है। दोनों के पास कई महंगी गाड़ियां हैं जिनमें शामिल है BMW, मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर और जगुआर। इतना ही नहीं, इन कुछ महंगी गाड़ियों पर उन्होंने सोने की परत भी लगवाई हुई है। सोने का पानी चढ़ी ये गाड़ियां जब सड़क पर निकलती है तो उन्हें नुकसान से बचाने के लिए आगे पीछे 2-4 गाड़ियां भी साथ चलती है। गहने और गाड़ियों के अलावा उनके पास फोन, जूते, घड़ी और साइकिल भी सोने की है। गोल्डन गाइज जब भी बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा के लिए हर समय 2 बॉडीगार्ड उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों गोल्डन गाइज की गोल्डन लाइफ के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।